महाराष्ट्र की सियासत और संकट पर लगातार हम अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। एबीपी न्यूज ने आपको अब से कुछ देर पहले तस्वीरें दिखाई थी। पुणे में बागी विधायक के दफ्तर पर हमला किया था शिव सैनिकों ने। तानाजी सावंत के दफ्तर पर तोड़फोड़ की तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी थी। अब तानाजी सावंत की प्रतिक्रिया आई है। तानाजी सावंत ने फेसबुक पोस्ट में लिखा है, तोड़फोड़ करने वालों को चेतावनी दी है। तानाजी ने कहा है कि सभी अपनी औकात में रहें। पुणे में तानाजी सावंत के शुगर फैक्ट्री के दफ्तर पर तोड़फोड़ की थी। शिव सैनिक वहां पर डंडा और झंडा लेकर पहुंचे थे। दफ्तर के कांच शीशे तोड़ दिए गए थे। दफ्तर के भीतर भी घुसकर तोड़फोड़ की थी। इसके बाद अब तानाजी सावंत जो कि सोलापुर के विधायक हैं, उनकी प्रतिक्रिया आई है। तानाजी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी है। तानाजी ने लिखा है कि औकात में रहें तोड़फोड़ करने वाले, वक्त रहने पर, वक्त आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। हम एकनाथ शिंदे के कहने पर फिलहाल शांत हैं, हमें कोई भी कमज़ोर ना समझे। तानाजी सावंत की तरफ से प्रतिक्रिया फेसबुक पर दी गई है, भविष्य में इसका जवाब मिलेगा। तानाजी ने ये लिखा है, मेरा निवेदन है सभी अपनी औकात में रहें तानाजी। तानाजी ने साथ में ये भी लिखा है कि तोड़फोड़ करने से कुछ नहीं होगा, हम एकनाथ शिंदे के कहने पर फिलहाल शांत हैं, समय रहते हम इसका जवाब देंगे। चार तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। पुणे में तानाजी सावंत के दफ्तर पर हमला हुआ। भोईसर में विधायक के पोस्टर फाड़े गए। खारघर में भी प्रदर्शन हुआ, विधायक के पुतले जलाए गए। और रायगढ़ में पुतले जलाकर वहां पर भी विरोध प्रदर्शन शिव सैनिकों ने किया। तो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें आ रही हैं। बागी विधायकों के खिलाफ शिव सैनिक अब सड़कों पर उतर आए। पूर्णिया सिटी जानिए ना, पूर्णिया सिटी। हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ए
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।